बैतूल मध्य प्रदेश के जिले के सभी ग्रामों और शहरी क्षेत्र में वार्ड में 5 फरवरी से 8 मार्च तक विकास यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इन यात्राओं में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास होंगे। सरकार की उपलब्धियां आमजन तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान हितग्राहियों को योजना का लाभ भी दिया जाएगा, साथ ही ग्राम चौपाल आयोजित की जाएगी। और जिले के प्रभारी और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की बैठक भी होगी। जिले में विकास यात्राओं की रूपरेखा तैयार की गई और इन यात्राओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यात्राएं सरकार की मंशा पर खरी उतरे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। विकास यात्राओं के आयोजन के पूर्व ही अधिकारी अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर वहाँ की व्यवस्था देख ले। विकास यात्राओं के दौरान यह भी सुनिश्चित कि स्वीकृति निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण हो जाए। भूमि पूजन वाले स्थल पर संबोधित कार्य कब तक पूर्ण होंगे, ये तिथि भी अंकित की जाए। उन्होंने कहा कि विकास यात्राओं के दौरान जनप्रतिनिधि भी क्षेत्रों का भ्रमण करें एवं विकास यात्राओं को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। यात्राएं सरकार की उपलब्धियां आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। विकास यात्राओं के दौरान आयोजित होने वाली रात्रिकालीन चौपालों में अन्य योजनाओं के साथ पैसा एक्ट की भी विस्तार से जानकारी दी जाए। पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के और भारत सरकार की उपलब्धियों को लेकर के 5 तारीख से फरवरी से रविदास जयंती है और 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश में यात्राएं रहने वाली है। ज़्यादातर स्थानों को हम 25 फरवरी तक कवर कर रहे हैं और यदि कुछ गांव फिर भी छूटेंगे तो उनको कुछ जगह पर कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ाएंगे।